subscribe our channel for latest updates. पिछले करीब 12 साल पुराने मामले विच फरीदकोट की सैशन कोर्ट ने पंजाब दे साबका उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ दर्ज अपील नू खारिज कर उन्हां नू राहत दित्ती है। दरअसल 1999 विच वोटां दौरान उस समय पत्रकार नरेश सहगिल दे नाल कुछ लोगों ने कुटमार कीती सी अते उन्हां दा कैमरा खोलिया सी। उस तो बाद इह मामला माणयोग अदालत विच सी। इत्थे इह भी काबिले गौर है कि इस तो पहलां सुखबीर सिंह बादल नू माणयोग अदालत इस मामले विच बरी कर चुकी है ते अज फिर माणयोग सैशन कोर्ट ने सुखबीर बादल दे खिलाफ दर्ज अपील नू खारिज कर दिता है ते सुखबीर बादल नू राहत दित्ती है। नरेश सहगिल वल्लों हुण माणयोग हाई कोर्ट विच जाण दी गल कही जा रही है। खुद अपना मैंने केस हैंडल किया है और एप्लीकेशन लगाई थी 311 CRPC और 319 CRPC। 319 में ये था कि FER में जो और मुलजम हैं उनको आज तक कोर्ट ने तलब ही नहीं करा, और 311 ये लगाई थी कि जो हमारे गवाह हैं एविडेंस है उस मौके की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब जैतो चुंगी कोट कपूरा 5 सितंबर 1999 नूं लोकसभा के इलेक्शन दे विच सुखबीर बादल ने मेरा कैमरा खोया, होर पत्रकारां दे कैमरे खोए, छीने, मारपीट की, वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन से FER लॉज हुई। लेकिन कभी भी आज तक सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट में तलब नहीं किया जब कोई एविडेंस चली, और उससे बाद जब इनकी सरकार आ गई तो पुलिस ने कैंसलेशन भर दी कि ये केस झूठा है। तो मेरी स्टेटमेंट पुलिस ने जहां उस वक्त जो मानयोग अदालत ने मेरे को कोर्ट में तलब किया था 26/7/2008 को, उन्होंने कैंसलेशन पर स्टेटमेंट ली थी और ट्रायल कोर्ट ने कैंसलेशन को मेरी को मानते हुए ना तो कैंसलेशन एक्सेप्ट करी और ना ही फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर करा। और बाद में हमें इंसाफ ना मिला, हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में इस मामले को स्टे कर दिया। स्टे मेरी एब्सेंट में जिस दिन मैं बीमार था हाई कोर्ट का स्टे टूट गया तो नीचे ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन ट्रायल हो ही नहीं सकता था। जो मानयोग ट्रायल कोर्ट सतीश कुमार जज साहब जी ने फैसला दिया उनमें उन्होंने ये देना था या तो कैंसलेशन एक्सेप्ट करनी थी या फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर, और उसमें कम सबूतों के कारण सुखबीर बादल को बरी नहीं किया जा सकता। ये लॉ है, एक कोर्ट प्रोसीजर है, एक रूल है। उन सभी रूल कोर्ट प्रोसीजर को पीछे छोड़ते हुए साजबाज होते हुए सरकारी वकील जो उस समय का वकील था रजनीश कुमार, जो आज भी डिस्ट्रिक्ट अटारनी है, अभी 10 मिनट पहला सुखबीर बादल के वकील के साथ गुफ्तगू करता रहा, मेरे साथ नहीं खड़ा। उस कोर्ट में डिप्टी DA पेश हुए हैं मेरी जगह, डिस्ट्रिक्ट अटारनी की ओर से छोटा वकील पेश हुआ। तो ये तो पूरा तंत्र मंत्र जो सुखबीर सिंह बादल का है इनके अंदर चलता था, इसलिए मेरी एप्लीकेशन डिसमिस होगी। हम हाई कोर्ट जाएंगे। पहले जज ने तो गुनाह किया था क्योंकि हमने FER भी मांगी थी कि जो कोर्ट प्रोसीजर है, जो लॉ जिन्होंने गलत चलाया उनके ऊपर रिकॉर्ड टेम्पल करा, FER लॉज कर दो, जज साहब से ये मांगा था। और हमने सजा तो मांगी नहीं थी कि सुखबीर बादल को, क्योंकि अभी इस केस में ट्रायल चला ही नहीं है। आज क्या फैसला आया? 5 सितंबर 1999 से लेकर आज तक मेरे को इंसाफ नहीं मिला। अभी भी आप सारे मीडिया वाले का मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने देखा कि जब केस की कॉल बजी तो वो हाजिर नहीं हुआ, दूसरी कॉल हुई सुखबीर सिंह बादल के, वो हाजिर नहीं हुआ तीसरी कोर्ट में। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और ये बड़ा शर्मनाक वाक्या हुआ आज कि कोर्ट में कम से कम 40-30 अननोन पंसर गुंडा आंसर जो सुखबीर बादल अपने साथ लेके आया था वो सारे कोर्ट में दाखिल हो गए। जब मैंने मानयोग जज साहब को बोला तो उन्होंने इशारा किया, पुलिस ने सभी को बाहर निकाला, इवन यहाँ तक कि एक DSP, एक SSP और फरीदकोट के सभी अफसर उसको स्कॉट करके लेके आ रहे हैं। और जो मेरी सुरक्षा के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो एक पक्की पकाई और साजिश थी कि हमने कुछ भी हो जाए सुखबीर सिंह बादल को उसके खिलाफ कुछ नहीं करना, जो पहले नहीं हुआ मेरे साथ धक्का हुआ आज भी हुआ। इस दौरान साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि वह माणयोग कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते ने। सी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस जुडिशियल वर्डिक्ट, वो जज साहब ने जो फैसला किया ठीक है। इस मौके सुखबीर बादल के वकील सतनाम सिंह कलेर ने दसिया कि इस मामले में कुछ भी खास नहीं सी, इस मामले में पहला भी माणयोग अदालत सुखबीर बादल नू बरी कर चुकी है, अज फिर सैशन कोर्ट ने यह अपील रद्द कर दी है। यह 2007 का केस था जिसमें सरदार सुखबीर सिंह बादल और 2000 अक्यूज्ड और थे। ये नरेश सहगल शुरू का इस चीज़ पे चल रहा है कि जो इन पे केस चलाया मैंने सच्चा है, पहले 307 लगाई,
वो निकली इसके हाथ से, फिर इसका केस चला, गवाहियाँ हुई, उसमें से माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने सुखबीर बादल जी को ऑनरेबल क्विट कर दिया। इसने उस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। यहाँ यह भी बताने योग्य कि सरकार ने कोई अपील नहीं की क्योंकि केस इसका वीक था। फिर इसने यहाँ भी दरख्वास्त दी कि मुझे सरकारी वकील की हेल्प भी चाहिए, वो सरकारी वकील की हेल्प भी इसको मिल गई। उसके बावजूद भी जब केस में कुछ नहीं था, हम शुरू से कहते आ रहे थे कि लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल, वी हैव फेथ इन जुडिशरी, वी विल गेट जस्टिस, एंड अल्टीमेटली आज हमको जस्टिस मिल गया, लॉ हैज़ प्रिवेल्ड एंड आवर फेथ हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द कोर्ट्स। जो इसने अपील की थी उसको ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसने दो तीन रिविजन भी डाली हुई थी, वो भी डिसमिस कर दी। सर, इसने रीट्रायल की मांग की थी, रीट्रायल की मांग ओरल थी, रीट्रायल का कोई प्रोविजन नहीं होता, रिमांड हो जाता है, रीट्रायल नहीं होता, वो इसकी डिमांड ही गलत थी। इस मौके सुखबीर बादल ते इल्जाम लगाउण वाले नरेश सहगिल ने कहा कि वह इस मामले नूं लैके हुण माणयोग हाईकोर्ट विच जाणगे ते उन्हां नूं पूरी उम्मीद है कि उत्थे उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट में जाएंगे क्योंकि मालूम है जो निचली कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट ने कई ऐसे जजों को, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जजों को खिलाफ ऐसी ऑर्डर पास किए हैं जो ट्रायल कोर्ट में ऐसे केस करते हैं, तो इस केस में भी ऐसा एक फैसला आएगा और निचली जो कोर्ट ने जो किया ये देखेंगे, तब सारी मीडिया भी देखेगी और ये मेरे साथ जो पत्रकार उस वक्त के समय मेरे साथ धक्का हुआ था वो साबित करके रहूँगा। देखो, मेरे को हाई कोर्ट में पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, पर निचली कोर्ट से मेरे को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज तो कोर्ट ने पूरी शर्म ही उतार दी कि कोर्ट की मर्यादा भी नहीं रखी। फरीदकोट तो जगतार दोसांझ की रिपोर्ट, चैनल पंजाब न्यूज़।